तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5 और मैं हूँ लिटिल शेरा और मेरे साथ कौन कौन है वो चलिए मैं आपको मिला देता हूँ। तो हमारे साथ में है ये है एक हमारे थोर भाई साहब, ठीक है, जो आप सभी लोग जानते ही हो, और भी है हमारे साथ में हल्क बस्टर, और उसके बाद में सबके दादा थॉनस, एंड हमारा गोकू, एंड सबका सहिता हमारा आयरन मैन। तो गाइस मैं सबको बता देता हूँ कि इस चैलेंज को कंप्लीट सबको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा रैंप है और इस चैलेंज को किस तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो दो दो जनों की बारी में दो दो जने जाएंगे और बाइक और कार से जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबको जाना है इस रैंप के ऊपर से जंप लगा करके यहाँ पर लैंड करना है, देन यहाँ से बाइक उठा करके ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर फ्लाई ओवर करके यहाँ तक पहुँचना है, देन उसके बाद में यहाँ पर जंप करके कार उठाना है, और कार उठा करके यहाँ से जंप करना है, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जंप करते करते इस फ्लाईओवर पे से इस पंखुड़ियों के ऊपर से यहाँ पर जंप करना है। देन फाइनली गाइस यहाँ पर आ जाएगी टनल, और टनल के अंदर से होते हुए सभी लोगों को जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर टिल द एंड लास्ट जंप होगी पूरी यहाँ से उड़ करके यहाँ तक की। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमने प्राइज रखा हुआ है, तो जो भी जीतेगा उसको वो प्राइज मिलेगा। तो सबसे पहले आज भी मैं जाने वाला हूँ और लिटिल शेरा के साथ में जाने वाला है आयरन मैन, ठीक है। तो जल्दी से चलते गाड़ी उठाते और आयरन मैन को भी चलते, जल्दी चलो आयरन मैन, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन मैन तो चल चुका और अब मैं भी बैठ जाता हूँ गाड़ी में, और देखते हैं कौन जीत पाता है इस चैलेंज को, ठीक है। तो मैं ये ग्रीन वाली गाड़ी ले लेता हूँ और अब इसको मैं भगाने वाला हूँ, ठीक है। तो ए आयरन मैन इधर आ जाओ ना यार, उत्तरी ये क्या हुआ, आयरन मैन ने मैजिक कर दिया। तो चलो कोई नहीं, आयरन मैन भी अभी आ चुका है, बैठ चुका है हमारी गाड़ी के अंदर। तो अभी जाने वाला हम बहुत ही ज्यादा स्पीड में बहुत ऊपर रैंप जंप करने हैं, ठीक है। तो ये गई मेरी गाड़ी और ये फुल स्पीड मैंने गाड़ी की रख दी है, और अब देखते हैं क्या होता है। और यहां से हमने जंप करी, तो गाइस ओ तेरी ये क्या हुआ, शिट मैन यार, अब हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट और बचेगा, अब देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइज एक अटेम्प्ट हमें और मिला है, उस अटेम्प्ट में हमारी गाड़ी यहाँ से नीचे कूद गई थी, और आयरन मैन जल्दी से बैठ जाओ, और इस बार है ना हमें ये वाला रैंप चेंज पूरा कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से गाड़ी को रिवर्स लेते हैं थोड़ी सी और फिर आगे भगाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, और यार इस बार तो हमें ये आयरन मैन चेंज पूरा करना पड़ेगा चैलेंज को। तो फाइनली गाइज मुझे लगता है कि हमने ये जंप पूरी कंप्लीट कर दी है यहाँ तक की, तो ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस गाड़ी को छोड़ते हैं और यहाँ से लेते हैं हम बाइक, ठीक है। तो आयरन में जल्दी से बाइक सिलेक्ट करो, कौन सी बाइक सिलेक्ट करके हमें यहाँ से जंप करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, येलो वाली बाइक ले लेता हूँ। आयरन मैन जरा मैजिक करो, और तेरी गजब का मैजिक करता आयरन मैन, देख सकते हो तीन गाड़ी यहाँ पर हो चुकी है, मेरे हाथ लगाते से यहाँ पर तीन गाड़ी हो चुकी है। अभी जल्दी से आयरन मैन भी बैठ जाएगा, और आयरन मैन ना अभी उसकी सुपर पावर नहीं दिखा रहा है, वरना ना यहाँ पर ना तबाही तबाही हो जाती। ये तो क्या कितने ही चैलेंज यहाँ पर दो मिनट में कंप्लीट हो जाते, ठीक है। तो गाइस अभी बाइक से हमें बहुत ज़्यादा लंबी जंप लगानी, तो गेट सेट रेडी रहना, ठीक है। तो देखते हैं ये वाली जंप पूरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फुल टू रेडी हूँ मैं यहाँ से जंप करने के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं, देन रिवर्स लेने के बाद में हम इस चैलेंज को पूरा करते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से हम जंप कर पाएंगे, इसलिए मुझे ओ तेरी शिट मैन, ओ शिट। तो गाइस वो वाला चैलेंज तो हम दोनों पूरा नहीं कर पाए, अब बारी है गोकू और थॉनस की, ठीक है। तो गोकू थॉनस अब तुम लोग जाओ। लिटिल शेरा मैंने कहा था ना तुमसे ये चैलेंज पूरा नहीं हो पाएगा, अब मैं गोकू और थॉनस हम दोनों जाने वाले हैं। तो थॉनस भाई जल्दी बैठ जाओ गाड़ी के अंदर, और उधर से तुम्हारे लिए एक डायमंड भी लेके आएंगे रे बाबा, जल्दी बैठ जाओ। और अब देखो गोकू की पावर कितनी है, गोकू की पावर। तो गाइस अगर आपको गोकू की पावर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी से चलते हैं, तो 1 2 3 4। तो थॉनस भैया आपको आप करनी है आपकी सुपर पावर यूज, ताकि हम ये रैप चैलेंज पूरा कर दें। ओ तेरी ठीक क्या हुआ, ए शट मैन ज्यादा ही पावर यूज कर दी रे बाबा। ओ चलो कोई बात नहीं, अब तो इस बार तो थॉनस बाबा थोड़ी सी कम पावर यूज करना आपकी, ताकि हम इस रैप चैलेंज को पूरा कर पाए इजीली। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो बस इतनी सी पावर यूज करनी है थॉनस भाई साहब आपको। अभी लिटिल शेरा को पता नहीं है गाइस के थॉनस जो कि ना उसकी सुपर पावर यूज कर रहा है, और उसकी सुपर पावर से ये चैलेंज इजीली पूरा हो जाएगा। तो अब बारी है इस बाइक की, तो जल्दी से चलते हैं इस बाइक को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, और पीछे आने के बाद मैं चलते हैं जल्दी से, अभी हमें फुल स्पीड में बाइक को भगाना पड़ेगा। तो ये जा रही है हमारी बाइक, ओए ओए बाबा जल्दी से चल रहे, पंच कर शिट मैन। ओए ये क्या हुआ यार,
अरे गोकू बोला था ना, ये वाला चैलेंज सिर्फ लिटिल शेरा और आयरन मैन ही पूरा कर सकता है। तो अभी देखो लिटिल शेरा की पावर। तो अभी मेरे साथ में है आयरन मैन। तो आयरन मैन अभी ना थोनस ने जैसे सुपर पावर यूज करी है, ऐसे तुम्हें भी तुम्हारी सुपर पावर यूज करनी होगी। तो मैं गाड़ी को भगाने वाला हूँ, तो ये चलते हैं हम। बाय बाय हल्कबस्टर। तो जल्दी से चलते फुल स्पीड में, गाड़ी को भगाता हूँ और जल्दी से थोनस के पीछे छोड़ देते हुए। और ये गए, पहुंच गए भाई। यस ठीक है। तो आयरन मैन उतरी। ओए ये क्या हुआ? ओए 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 बच गए गाइस, चरा से बच गए हम। अरे आयरन मैन थोड़ी सी पावर कम यूज कर यार तू, ताकि हम ज्यादा फ्लाई ना कर पाए। अगर ज्यादा फ्लाई करेंगे ना तो हम लोग ही नीचे गिर जाएंगे। तो अभी जल्दी से उतरो यार आयरन मैन, और जल्दी से एक बाइक को तीन बाइक करने की तुम्हारी आदत छोड़ दो, वरना हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो जल्दी से उतरते गाइस। तो अब हम लेते हैं बाइक, ठीक है। तो फाइनली गाइस अभी हम बाइक पर बैठ चुके हैं, आयरन मैन भी बैठ गया है, और अब हम जाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा लंबी जंप के ऊपर। और ये गए हम, और 1 2 3 4 गो। तो गाइस यहाँ पर तो थोनस और गोकू गिर गए थे, और अब हम उससे आगे निकल चुके हैं। और अब देखते हैं कितनी जंप और हमें पार करनी है। तो ये शायद मुझे लगता है कि बहुत ही कम, बहुत ज्यादा पास में पहुंच चुके हैं। उतरी। ओ ये क्या हुआ? शिट यार नीचे निकल जा। ओहो गाइस हम बच चुके हैं। तो आयरन मैन यार अभी तुम्हारी सुपर पावर कम यूज करना तुम, ताकि हमें ना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो गाइस अभी मैं जल्दी से काम करता हूँ, थोड़ा सा गाड़ी को ऊपर चला लेता हूँ, ताकि जो कि गाय ना बहुत ही ऊपर जाए। ओके ओके। तो गाइस यार कितनी ऊपर से फास्ट जा रही है गाइस ये वाले रैंप से। ओहो ओ शिट मैन। ओ ये क्या हुआ? आयरन मैन बचाओ। ओ तेरी तो मेरा पैर में लग गई यार। ओए आयरन मैन तू क्या करता है यार। ओए चलो कोई नहीं, तो आयरन मैन जल्दी से आ जाओ यार, जल्दी से गाड़ी पे बैठते हैं वापस से, और जल्दी से इस रैंप जल को पूरा करते हैं और हमारा प्राइज जीतते हैं। ओ यार इससे पहले कि काल राक्षस यहाँ पर आए, हमें पूरा रैंप चैलेंज पूरा करना होगा, क्योंकि काल राक्षस आ गया ना तो हमारी सारी पावर्स वो छीन लेगा। तो गाइस अभी देख सकते हो कितनी स्पीड हमारी गाड़ी की हो चुकी है, और मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्पीड में जा रहा हूँ। ओहो भाई साहब थोड़े से बच गए यार। चलो कोई नहीं, फिर से हम एक बार और ट्राई करेंगे इसी वाले रैंप चैलेंज को। तो गाइस फुल स्पीड में जा रही है हमारी कार, हमारी सॉरी बाइक, और आयरन मैन अभी तुम्हें सुपर पावर यूज करनी होगी। आयरन मैन जल्दी है तो हमारे सुपर पावर यूज करो, ताकि हम उसके ऊपर पहुंच पाए। तो थैंक गॉड गाइस आयरन मैन ने उसकी सुपर पावर यूज कर ली और हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। और शिट यार थोड़ी सी कम पावर यूज करा करो यार। तो गाइस जल्दी से उठते हैं, क्योंकि गाइस अभी हमने जल्दी से अगर इस रैंप चैलेंज को पूरा नहीं किया ना तो काल राक्षस आ जाएगा और हमारी सारी पावर सभी पावर की छीन लेगा, आयरन मैन से भी सारी पावर छीन लेगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ जल्दी से इसके ऊपर। ठीक है, तो यार ये काफी ज्यादा बहुत ही खतरनाक चीज है यार। कोई नहीं, अभी हम फिर से चढ़ते हैं इसके ऊपर। ओए यस। ओ शिट मैन, ये क्या हो रहा है? ओए पा यार आयरन मैन जल्दी से तुम्हारी सुपर पावर यूज करो ना यार, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो गाइस जल्दी से अब एक काम करते हैं, फिर से बैठते हैं आयरन मैन के साथ पे, और इस बार तो हम ये चैलेंज पूरा कर ही लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं। ओए शिट यार इस बार भी नहीं कर पाए आयरन मैन, ये वाला लास्ट चांस हमारा। अगर इस बार हमने ये चैलेंज पूरा नहीं किया ना तो काल राक्षस हमारे पास से आकर के सारी पावर हमारी छीन लेगा। ठीक है, तो गाइस हम जा रहे हैं ऊपर, और ये शायद हो गया हमारा चैलेंज पूरा। शिट इस बार भी नहीं हो पाया यार, मेरी हड्डी टूट गई भाई रामा। तो कोई नहीं, अभी इस बार तो हमारी पूरी हो ही जाएगी। तो चलते हैं एक और अटेम्प्ट, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा हमारा। अगर इस बार नहीं हो पाया तो थैंक गॉड हो चुका है। ओ ये क्या है? ओए ओए काल राक्षस हमारे पीछे ही है। ओए जल्दी चलो यार। ओ आयरन मैन तू काल राक्षस को संभालो, मैं गाड़ी चलाता हूँ यार, वो जल्दी से। तो फाइनली गाइस हम लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। तो गाइस यार यहाँ से तो मेरी बहुत ज्यादा फट रही है। तो गाइस एक चलते हैं जल्दी से यहाँ से पूरा इस चैलेंज को पूरा करने, और ये चली हमारी गाड़ी, और ये वाला प्राइज हम जीतने वाले है। आयरन मैन बहुत ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो जल्दी से चलते हैं, और ये हमारी बाइक गई, और ये उतरी। ये क्या हुआ? अब तो नीचे गिर गए। अरे यार शिट मैन। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें लास्ट अटेम्प्ट और मिलेगा अभी से। शिट कमर टूट गई यार। आयरन मैन तुम्हें कितनी बार बोला यार मैंने, तुम तुम्हारी सुपर पावर क्यों यूज नहीं करते हो यार। चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठो और चलते हैं अभी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो गाइस अभी हमें लास्ट अटेम्प्ट और मिला है, और ये वाला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अभी इस अटेम्प्ट में तो हम इस चैलेंज को पूरा कर ही लेंगे, अगर नहीं कर पाए ना तो सुपर पावर हमारी सारी छीन ली जाएगी, क्योंकि काल राक्षस हमारे पीछे पड़ चुका है। ठीक है, तो अभी चलते यहाँ पर से एकदम जंप करेंगे।
तेरी वो रैंप कहाँ गई? वो काल राक्षस ने यहाँ से रैंप हटा दी गाइस। वो तेरी ये क्या हुआ यार? ओ शिट बैड। और इस बार तो पूरा कर ही लेते हैं। ओए ओए मेरा पैराशूट भी नहीं खुल रहा है। ओ खुल गया थैंक गॉड। ओए ओए आयरन मैन कहाँ पर गया यार? वो मर रहा चाहिए यार गाइस, मुझे उसको बताना। ओए ओए मेरा ओए मेरा पैराशूट कहाँ गया? ओए काल राक्षस ने ये भी तोड़ दिया यार। और अब मेरा क्या होगा? ओए ओए मैं तो मरने वाला हूँ यार। ओ गाइस अब आगे क्या होगा? ओए ओए मुझे बचाओ। ओए ये चैलेंज मेरे पूरा नहीं करना। ओए ओए मैं तो गिर रहा हूँ। ओए मेरे तो मैं तो मर जाऊंगा। ओह शिट। ओह